सो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे WhatsApp वेब को, जो प्रेजेंटली नाम चेंज करके लिंक डिवाइस हो गया, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका मदद से आप चाहो तो किसी दूसरे WhatsApp, अगर आपके फ़ोन में एक WhatsApp है, उसको चाहते हैं 3-4 अलग अलग डिवाइस में चलाने के लिए, तो वो भी आप चला सकते हैं। बोलो तो एक बात में बोले कि WhatsApp वेब जो अभी प्रेजेंटली लिंक डिवाइस, उसको आप कैसे यूज़ कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मैं मोबाइल स्क्रीन में जाऊँगा एंड आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ चुका अपना फ़ोन का स्क्रीन में। यहाँ पे मैंने दो फ़ोन ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये फ़ोन में लेफ्ट साइड में जो फ़ोन है, इस फ़ोन का जो WhatsApp है, मैं चाहता हूँ इस WhatsApp को ये फ़ोन में यूज़ करने के लिए, WhatsApp वेब का माध्यम से, WhatsApp लिंक डिवाइस का माध्यम से। तो चलिए कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप जो फ़ोन में चाहते हो यूज़ करने के लिए, वो फ़ोन में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर चुका हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पे सर्च करूँगा WhatsApp वेब बोल के, सिंपली सर्च करूँगा एंड यहाँ पे सबसे जो पहला वाला जो वेबसाइट निकल के आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक कर दूँगा। देने के बाद दोस्तों मेरा सामने ये वाला प्रॉब्लम निकल के आ जाते। तो ये प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिल सकता है, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाते तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ, मेरे चैनल में मिल जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ जाते, WhatsApp वेब निकल के नहीं आते, तो आप शॉर्ट आउट कर सकता है। तो चलिए मैं ऊपर में जाऊँगा, 3 डॉट में क्लिक करूँगा एंड यहाँ से डेस्कटॉप साइट को ऑन कर दूँगा। देने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गया एंड यहाँ पे मेरा एक QR कोड निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया, देखिए मेरा QR कोड। तो ये जो दूसरा वाला जो फ़ोन है, जिस फ़ोन का WhatsApp हमने देखना चाहते हैं, उस फ़ोन का WhatsApp को ओपन कर लेना पड़ेगा। लेने के बाद इस फ़ोन में जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है WhatsApp का, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो लिंक डिवाइसेस बोल के देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंक ए डिवाइस बोल के आपका सामने ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक स्कैनर निकल के आ जाएगा, इसको सिंपली मैं ओके करता हूँ एंड इसको सिंपली इसको जाकर स्कैन कर लेता हूँ, जो यहाँ पे मेरे को दूसरा फ़ोन में निकल के आया। चलिए मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लाइट का दिक्कत हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद इसको स्कैन करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्कैन कर चुका हूँ एंड यहाँ का जो WhatsApp है यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी किसी को बंदा को जैसे मैसेज कर, देखिए ये एक मैसेज निकल के आया, यहाँ पे देख लीजिए वो सबसे ऊपर में आ जाते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे जो मैसेज मेरे को शो हो जाएगा, सिंपली ये मतलब जैसे मैंने ओपन करूँगा एंड ये इतना सारा मैसेज मेरे को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे करके सिंपल सा प्रोसेस है, जिसको फॉलो करके आप लिंक डिवाइस जो अभी WhatsApp वेब है, जो पहले था WhatsApp वेब है, उसका मदद से एक ही WhatsApp को 4 अलग अलग डिवाइस में चला सकते हो, तो ऐसे करके यूज़ कर सकता है। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, आज का जो इन्फॉर्मेशन था इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, ना समझ गए कि कैसे WhatsApp वेब को यूज़ कर सकता है एंड साथों साथ 3-4 डिवाइस में कनेक्ट करके एक ही WhatsApp को चला सकता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार विजिट कर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे जबरदस्त अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।